हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज हम सीखेंगे फरसान कचौड़ी बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। फरसान कचौड़ी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। 1 टेबलस्पून धनिया, 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून बड़ी सौंफ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून शक्कर और 1 नींबू, 50 ग्राम गाठिया और 50 ग्राम पापड़ी और 1/2 किलो के लगभग मैदा। तलने के लिए तेल। सबसे पहले गाठिया और पापड़ी को पीस ले, देखे इस तरह से। अब मिक्सी में लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें एक एक करके सारे सामग्री डाल दें, बड़ी सौंफ, सफ़ेद तिल और धनिया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को एक बार पीस लें, देखे इस तरह से। अब इसके अंदर नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार डाल दें। दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा मिक्सी का बर्तन है तो आप ये सब एक ही बार में डाल के पीस सकते हैं। फरसान कचौड़ी के लिए सबसे पहले मैदा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और स्वाद अनुसार नमक डालें। हमने मिश्रण में नमक ऑलरेडी डाला है, उसी हिसाब से आपको इसमें भी नमक डालना है। इसे अच्छी तरह से गूंद ले, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। रोटी बनाते समय हम जैसा आटा गूंदते हैं हमें वैसा ही आटा गूंदना है, ज़्यादा कड़क नहीं, ज़्यादा नरम नहीं। देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार है। अब इसके छोटी छोटी लोइयां काट ले, जो हमने मिश्रण बनाया था उसके छोटे छोटे बॉल्स बना ले, देखिए इस तरह से। चलिए फरसान कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक लोई ले और तेल की सहायता से इसके किनारे इस तरह से चपटा करें, देखिए बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। परफेक्ट कचौड़ी बनाने के लिए लोई को एकदम पतला रखना है। अब इसके अंदर ये लड्डू जो हमने बनाए थे उसे डालकर अच्छी तरह से भर दे, देखिए ऐसे। अब आपको सारे लोइयों को ऐसे ही भरना है, देखिए इस तरह से। हमारा तेल लाल हो चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके सारी कचौरियाँ डाल दे, देखिए इस तरह से। कचौरियों को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए हमारी कचौड़ियाँ एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, मस्त। हमारी फरसान कचौड़ी बनकर तैयार है। आप भी बनाएं, खाएं और अपने अनुभव कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।